हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ना परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए होने वाली है जिन्होंने इग्नू में एडमिशन लिया है और जो इग्नू के स्टूडेंट है। तो इग्नू में दिसंबर एग्ज़ाम 2023 होने वाले हैं, दिसंबर में आप सभी के एग्ज़ाम। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट के मन में यही होगा कि जो इग्नू के जो एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं 2023 इसी साल, ये एग्ज़ाम किस किस को देना होगा, नहीं दिया तो क्या होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आते हैं, तो आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल में इसकी जानकारी दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, इग्नू के जो एग्ज़ाम होते हैं साल में दो बार होते हैं। अभी जो ये एग्ज़ाम हो रहे हैं ये टर्म एंड दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम होंगे और ये एग्ज़ाम आपके सर्दियों में होंगे। तो ये एग्ज़ाम किस किस को देने, तो ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझिएगा, तब आपके सारे जवाब के वो उत्तर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला ये उन स्टूडेंट को देना है एग्ज़ाम जिनकी किसी एग्ज़ाम में बैक आई हो। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपने पहले भी एग्ज़ाम कभी दिया है, अगर आपकी किसी एग्ज़ाम में बैक आ गई है या कोई एग्ज़ाम आप मिस कर गए हो, तो आप दिसंबर में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। दूसरा, ये उन स्टूडेंट को देना है जो जनवरी सेशन से बिलोंग करते हैं, मतलब जिन्होंने इग्नू के अंदर जनवरी 2000 सेशन में एडमिशन लिया है 23वें इसी साल, उनको तो एग्ज़ाम देना ही देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक्स स्टूडेंट हो, अगर आपने 2020-21 और आपने 22 में एडमिशन लिया है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। बट शर्त यह है कि आपका जो कोर्स का जो टाइम पीरियड होता है वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोर्स का टाइम पीरियड ड्यूरेशन बचा हुआ है तो आप दिसंबर में ये एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। जिन्होंने इस साल जुलाई में एडमिशन लिया है वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जनवरी 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो एलिजिबल है, और इससे पहले जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कभी एग्ज़ाम दिया है या ये बैक आ गई या फेल हो गए या अपीयर होना चाहते हैं, दोबारा से देना चाहते हैं, तो वो सारे स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा सवाल, अगर नहीं दिया तो क्या होगा। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप एग्ज़ाम नहीं दोगे तो उस एग्ज़ाम में आप फेल हो जाओगे, बैक आ जाएगी, जो जो सब्जेक्ट आप छोड़ोगे वो सारे सब्जेक्ट आपके नॉट कंप्लीट में आ जाएंगे, यानी अब्सेंट शो करेगा, आपने वो पेपर नहीं दिया। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम मिस करते हो इग्नू का, तो ये एग्ज़ाम अब आपका अगले साल जून में जाके आप इसको दे सकते हो। जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं दे पाते वो जून में जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने बता दिया, दोनों के आंसर मैंने दे दिए। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कोई अपडेट होगा जरूर बताऊंगा। थैंक यू।